हेलो, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो गाइस। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ये ब्लॉग जो है ना ही शूटिंग का ब्लॉग नहीं होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा मेरा थंबनेल और टाइटल देखकर कि मेरा एक महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था। तो उस एक्सीडेंट में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है, कब हुआ है, और ये सब मैं बताने वाला हूँ आज के ये ब्लॉग में, आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फ़िलहाल मैं अपने घर के पास इमली के पेड़ के नीचे बैठा हूँ, ऐसे ही हवा खा रहा हूँ, ठंडे ठंडे हवा। तो सबसे पहले तो सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मेरा 1K सब्सक्राइबर, मतलब 1K फैमिली जो कि कंप्लीट हो चुका है, तो इस वजह से मैं बहुत खुश भी हूँ। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए मेरे को। तो बहुत दिन हो गया, लगभग 1.5 महीने जैसा हो गया कि मैं सिर्फ घर में ऐसे ही रहना पड़ता है, क्योंकि मैं मेरे एक्सीडेंट में कुछ मतलब हाथ वगैरह टूट गया था, मैं बताऊंगा आगे। तो अभी कुछ देर बाद नहा वहा के थोड़ा हाईवे की तरफ टहलने जाऊंगा दोस्त के साथ, तो फिर वीडियो में बने रहना। 2000 years later। यो, तो हम लोग जो कि रेडी हो चुका है नहा के, तो फिर हम अभी निकल रहे हैं हाईवे की तरफ थोड़ा टहलने के लिए, क्योंकि बहुत महीने हो गए थे हम मतलब घर में ही बोरिंग था कुछ, तो आज हम लोग बाहर जाएंगे। तो मैं आगे बोलेंगे कि मेरे साथ एक्सीडेंट में क्या क्या हुआ था। तो फिर चलो चलते हैं, हम जाएंगे आज हमारा, ये देख सकते हो यहाँ में ये सुपर बाइक है हमारा, क्या सुपर बाइक का नाम है, BMW। तो हमारा BMW S1000 जो RR है, मैंने क्या बोला तूने? तो हमारा BMW S1000 जो RR है, मैंने नया एग्जॉस्ट लगवाया है, देख सकते हो यहाँ पे, आओ कैमरा मैन यहाँ पे दिखाओ, एग्जॉस्ट नया एग्जॉस्ट लिया है, दिखाता हूँ, देख सकते हो ये नया एग्जॉस्ट लगवाया है। वेरी डेंजरस है, कल ही लगवाया था, अभी आपको साउंड सुनाते हैं, चेक करना गाइस। कैसा लगा? शाबाश बेटा, ये मेरा 1000 RR का नया एग्जॉस्ट है, साउंड भी कुछ है। तो फिर अभी मैं ड्राइव नहीं करूँगा, मेरे दोस्त करेंगे, क्योंकि मेरा हाथ अच्छा नहीं है, बाद में बोलेंगे हाथ क्यों अच्छा नहीं है। चलो ठीक है, चलते निकल गए हम हमारे सुपर बाइक को लेके। किसी से कम नहीं है भाई, हमारा सुपर बाइक को ड्राइव कर रहा है मेरा यार, देख सकते हो, और साथ में हमारा छोटा भाई भी है, बीच में बैठा है, बाद में दिखाऊंगा इसका चेहरा। काफी मजा आ रहा है यार, बहुत दिनों के बाद मैं बाहर निकला हूँ, बहुत दिनों बाद, लगभग 1.5 महीना हो गया घर में बैठे बहुत बोर हो गया था सच्ची में यार, मज़ा आ गया बाहर निकल के, ताज़ी हवा, ठंडी हवा, जंगल मंगल। तब चलो आगे दिखाएंगे। Few moments later. तो हम लोग जो कि यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हाईवे, नया हाईवे बना रहा है, देख सकते हो इधर पे और उधर पे, यहाँ पे नया हाईवे बन रहा है, तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर पे नया हाईवे बन रहा है, तो उधर रोड पूरा नहीं हुआ, इस वजह से हम नहीं जाएंगे। तो फिर इस वीडियो का मेन टॉपिक जो है, हमने देखा, आप लोग को पता चल ही गया होगा मैं इस वीडियो में किस बारे में बात करने आया हूँ, जो कि उस दिन मेरा अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और एक बात आप लोग बोल सकते हो, मैंने रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया था, अगर मेरा 1 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था तो वो वीडियो कहाँ से आया, मैं बोलता हूँ, ये वीडियो लगभग 1.5 महीने का वीडियो था, मतलब मेरे एक्सीडेंट होने से पहले ये वीडियो मैंने बना कर रखा था ऑलरेडी, तो वो उस वीडियो को मैंने एडिट करके अपलोड कर दिया था। सो एक्चुअली हम लोगों का
कॉलेज का छुट्टियाँ चल रहा था तो हम घर में गए थे। बहुत दिन हो गए घर में नहीं गया, तो सोचा मम्मी पापा से मिल लेंगे, भाई से बहन से मिल लेंगे। तो भैया भी आया हुआ था बाहर से, तो इसलिए मैं घर में गया था कॉलेज की छुट्टी में। तो फिर तभी रास्ते में मैं जिस गाड़ी में जा रहा था उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है यार, क्या बोलूँ। और एक्सीडेंट में मैं मुंह के बल गिर जाता हूँ। उसके बाद जब मैं गिरा उसके बाद गाड़ी भी मेरे ऊपर गिर गया गाइस। सोचो यार कितना दर्दनाक था यार, क्या ही मैं बोलूँ। तो बहुत खुश होके गए थे हम कि घर जाएंगे, मम्मी पापा से मिलेंगे, लेकिन घर जाने के बजाय अस्पताल जाना पड़ा मुझको। तो बहुत दुख हुआ उस एक्सीडेंट में यार, क्या बोलूँ। मेरा बहुत बहुत नुकसान हुआ, मेरा इधर का क्लेविकल टूट गया, जो हमारा यहाँ पे शोल्डर का बोन जो होता है वो पूरा फ्रैक्चर हो गया। और मेरे हाथ में भी चोट आया है और भी चोट आया है कहीं पे। चलो आप लोगों को दिखाता हूँ इधर फ्रैक्चर हुआ जो लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा क्लेविकल जो कि यहाँ पे पूरा ब्रेक हो गया। यहाँ पे अभी ये उभरा हुआ दिखेगा, जिंदगी भर यही उभरा हुआ दिखेगा। और यहाँ पे भी चोट लगी है, देख सकते हो। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे काट गया था पूरा, अभी तो फिलहाल ठीक हो गया है। और यहाँ पे भी चोट आया था, देख सकते हो, यहाँ पे ये भी ठीक हो गया है। हम सर्जरी नहीं करवाए क्योंकि सर्जरी करवाना मतलब क्या ही बोलो, पैसे का बहुत दिक्कत था। तो इस वजह से हमने सर्जरी नहीं करवाया और हम लोग वेद को ज़्यादा वो करते हैं। तो फिर मैंने वेद जी से दिखवाया मेरे ये को, तो मैंने वेद जी अभी वेद को ही मैं दिखा रहा हूँ। जैसे गांव में जो होता है ना वो जड़ी बूटी लगा के क्या क्या ठीक करते, तो ऐसे ही अभी ठीक हो गया है। लेकिन मैं अभी डांस नहीं कर सकता गाइस, यही मेरे सबसे दुख की बात है, मैं अभी डांस नहीं कर सकता। और शूटिंग वीडियो अभी नहीं आएगा, लगभग दो तीन महीने के बाद मैं शूटिंग में फिर से वो करूँगा, उसके बाद शूटिंग वीडियो आएगा भाई। फिर भी तुम्हारा ये भाई झुकेगा नहीं साला, वीडियो बनाएगा साला। अभी मजा आएगा ना, वीडियो बनाएगा, ब्लॉग बनाएगा, आप लोग देखते रहना। तो फिर अभी हम जाएंगे टी गार्डन में, उधर पास में एक टी गार्डन है, वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा इंस्टाग्राम रील्स बनाएंगे और उसके बाद हम भी घर चले जाएंगे। तो फिर चलिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आगे मैं और भी ब्लॉग लाता रहूँगा। जो मेरे चैनल में नया है वो मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो फिर थैंक यू सबको, और तब तक के लिए बाय बाय। रुको रुको रुको, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट करने में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है।